ध्यान दें। आप सबसे निवेदन है कि यदि कोई भी लाश आपसे परिचित व्यक्ति की हो तो कमरा नंबर 4 में किसी भी पुलिस कर्मचारी को इत्तला करें। बिना इजाजत के यहां से कोई भी लाश ना ले जाएं। बेटा, अपने अब्बू को ढूंढ रहे हो? नहीं मिले? मत रो बेटी, मत रो, दिल को यूं हलकान मत कर। अभी बहुत से लोग लापता हैं, कौन जाने वो भी उनमें हो। अरे कौन है भाई? कस्टोडियन के दफ्तर से हम बेदखली का नोटिस लेके आए। अब ये एवे कोई प्रॉपर्टी है, इसे फौरन खाली करना होगा। खाली करना पड़ेगा? अरे क्या मतलब खाली करना पड़ेगा भाई, ये हमारा घर है। ये घर मेरे बेटे अख्तर के नाम है। पुश्त दर पुश्त हमारा कुनबा यहाँ रहता है। आपके कस्टोडियन साहब कुछ भी कहते रहे, उससे क्या होता है? म्युनिसिपैलिटी में इस मकान का आधा हिस्सा अक्सर खां के नाम दर्ज है। हमें पता चल गया है कि वो पाकिस्तान चला गया है। अब इस मकान का आधा हिस्सा लाहौर के किसी हिंदू परिवार को दिया गया है। अरे मेरा बेटा पाकिस्तान नहीं भागा है, वो पिछले महीने पहाड़गंज के दंगे में शहीद हुआ है। ये बेवा है उसकी। मुल्क की जंगे आजादी में मैंने हिस्सा लिया है। पाकिस्तान न जाकर यहाँ रहने का फैसला है मेरा। हिंदुस्तान मेरा वतन है और ये शहर मेरे बाप दादा। चाहिए हमें तुम्हारी दलीलें। तुम कहते हो तुम्हारा बेटा मारा गया है, डेथ सर्टिफिकेट है उसका। अरे आप कस्टोडियन हैं या जल्लाद? यहाँ हम उसका शोक मना रहे हैं और आप आए हैं घटिया सर्टिफिकेट की फरमाइश लेकर। एक भी लाश की शनाख्त ठीक से नहीं हुई, अपने मरे हुए बेटे का मुंह भी नहीं देख पाया मैं। मैं तुम लोगों से यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। इस मकान का आधा हिस्सा इन्हें अलॉट हो गया है, आप लोग ये हिस्सा ले लें। चलो किसी तरह बच बचा के निकल तो आए। सर छुपाने की जगह तो है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। इन्हें तो यहां से बाहर निकाल के ही रहूंगा मैं। अच्छी मुसीबत है, मेरे जीते जी मेरे ही घर पे काबिज होके बैठ गए। अभी मोहल्ले के लौंडों को बुलवा के बाहर फेंकवाता हूँ सामान इनका। गुस्सा पी जाइए अब्बा, जितनी जगह है अब तो हमारे लिए काफी है। सरकार और निजाम से झगड़ा मोल लेना तो ठीक नहीं लगता। जमाना बदल रहा है, बदलते वक्त से समझौता तो करना ही पड़ेगा हमें। घटिया तमाश का इंसान लाहौर से आके हमारी पुश्तैनी जायदाद हथिया ले।
यही है आजाद हिंदुस्तान का इंसाफ। अब्बा मैं तो अभी भी कहती हूँ चले चलिए पाकिस्तान, सभी तो चले गए, यहाँ हमारे लिए अब रखा ही क्या है? हर वो चीज जो हमें प्यारी है, हर वो शय जिससे हमें रग़बत है, वो यही है। अपना घर, अपना वतन, अपना सब कुछ छोड़ के चले जाएं हमेशा अजनबी बने रहने के लिए?